हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं नबील अहमद, एच सुपरवाइज़र, आपके सामने आज फिर से मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक लिया हूँ वो है कोविड-19 से, कोरोना वायरस प्रोटेक्शन से लेके। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट दिस इज़ द पेंडेमिक एंड हाउ टू प्रोटेक्ट। तो अभी लॉकडाउन ऑलरेडी ओवर हो गया है सऊदी अरबिया में, अभी मैं सऊदी अरबिया में हूँ। और अभी भी इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी लॉकडाउन बहुत से स्टेट में है। तो सऊदी अरबिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कुछ गाइडलाइन जारी की है कि आपका जो लॉकडाउन है वो फिनिश्ड है, ओपन है, आप जा सकते हैं। यू कैन गो एवरीवेयर, या इवन इन मॉल्स, इवन द मार्केट, एवरीवेयर यू कैन गो, बट यू हैव टू द फॉलो द सम ऑफ द गाइडलाइन, सम ऑफ द प्रोटेक्शन विच हैज़ केम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो ये फाइव है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो हम लोग फाइव जो स्टेप है, फाइव प्रैक्टिस है, जो प्रिकॉशन है, अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं सो आई होप कि वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो हम बात करते हैं इस फाइव प्रोटेक्शन के बारे में। तो पहला है, फर्स्ट, मास्क, वेयर ए क्लॉथ मास्क, एनी काइंड्स ऑफ मास्क यू कैन यूज, या आप सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं, N95 यूज कर सकते हैं। अगर मेरा पर्सनली पूछेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, अगर आप क्राउड एरिया में जा रहे हैं तो N95 यूज करें। N95 इज द सुटेबल देन सर्जिकल मास्क, बिकॉज सर्जिकल मास्क जो है वो अराउंड ओपनिंग है, वो इफेक्टिव नहीं है। N95 टेस्टेड है और इफेक्टिव है। मैं लास्ट में आपको N95 दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं N95 और सर्जिकल मास्क किस तरह का होता है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड प्रोटेक्शन की, तो वॉश योर हैंड, आप फ्रिक्वेंटली अपना हैंड वॉश कर सकते हैं, है? जिस तरह से आप विथ वाटर, सॉप, या आइदर यू कैन यूज एल्कोहल सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। अगर पानी से अगर आप वॉश कर रहे हैं अपना हैंड, तो आप 20 सेकेंड के लिए आप वॉश करें, अगर आप 40 सेकेंड के लिए वॉश करें। अगर आप सैनिटाइजर यूज करें 20 सेकेंड इनफ है, ये कहा गया है कि 20 to 40 सेकेंड जो है उस बीच में आपका वायरस किल हो जाएगा, डाई हो सकता है। ओके गाइज, अब है थर्ड की बात करें तो कवर नोज एंड माउथ, दिस इज द मेन रूट जहाँ से आपका वायरस इफेक्टेड हो सकता है, आपका इंटर कर सकता है बॉडी में। तो आपको कवर करना है अपना नोज, अपना माउथ। जब भी आप देखते हैं कि स्नीजिंग आता है, कफिंग आता है, तो स्नीजिंग एंड कफिंग के टाइम में आप टिशू रख सकते हैं, टिशू यूज़ करें, हैंकरचीफ रख सकते हैं। इवन आप यूज़ कर रहे हैं मास्क, तो आप मास्क के अंदर ही कफिंग करें या स्नीजिंग करें कि दूसरा इफेक्टेड ना हो। द फोर्थ, द सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी क्राउड एरिया में जा रहे हैं या वर्क प्लेस पे या मॉल में कहीं भी, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर मेंटेन करना है, एटलीस्ट द 1 मीटर मेंटेन करना है। द फिफ्थ, स्टॉप द स्प्रेड। अगर आप इफ़ यू हैव द सम एक्सपीरियंस या सिम्टम, कुछ आपको सिम्टम है तो काइंडली आप आइसोलेट हो, काइंडली यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द समवन, किसी से भी आप दूर रहें, आइसोलेट रहें, क्वारंटाइन हो जाएं, आप बाहर ना जाएं जिससे दूसरे आदमी को, दूसरे पीपल को इफेक्टेड हो सके, स्प्रेड हो सके। सो दीज आर द फॉलोइंग द फाइव स्टेप विच इज़ द वेरी हेल्पफुल। अगर हम इन द केस इफ आई विल फेल्योर, अगर हम फेल्योर होते हैं इसको, और अगर हम आउटसाइड मॉल में हैं या बाहर हैं, इफ़ आई एम गोइंग टू द आउटसाइड फ्रॉम आवर होम, पुलिस अगर कैच करती है या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कोई भी स्टाफ अगर आपको कैच करता है, तो आपको फाइन हो सकता है, मास्क के लिए 1000 हो सकता है। सो दोस्तों, प्लीज़ टेक केयर, मेक श्योर योर मास्क वाइल यू आर गोइंग टू द आउटसाइड। ओके गाइज, और आप ये देख सकते हैं लास्ट में, फाइनली मैं बोलना चाहूँगा, ये आपका सैनिटाइज़र है, आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ये सर्जिकल मास्क है। अभी हमारे पास N95 नहीं है अभी एट प्रेजेंट, तो ये सर्जिकल मास्क है, आप देख सकते हैं। सो
दिस इज़ द वेरी हेल्पफुल आइटम्स एंड आई होप हम लोग सेफ रहेंगे और हम लोग जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे. ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर.